हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप डूइंग फाइन। तो आज हम फिर से एक बार खेलने जा रहे हैं यूरो ट्रक सिमुलेटर 2, और आज हम देखते हैं क्या लेके जा रहे हैं। वेट, ओके। ये कुछ मुझे बहुत बड़ी चिमनी टाइप लग रही है। ये चिमनी है, ये क्या है? ये सेंट्रलाइज्ड एसी का पार्ट है, ये कुछ है ये। और हमें ये जर्मनी टू नीदरलैंड लेके जाना है। 226 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है और 4 घंटे 17 मिनट में ये कवर करना है। तो लेट्स गो, चलते हैं पहले कैबिन में। तो यहाँ से हैंड ब्रेक को उठा लेते हैं, इंजन स्टार्ट, थ्रॉटल चेक करते हैं। ओके, वेरी गुड। ठीक है, फर्स्ट गियर डालते हैं एंड लेट्स गो। श्री गणेश करते हैं। वेरी गुड। बहुत ही सुहाना दिन है आज। वैसे जो पिछला जो डिस्टेंस हमने कवर किया था वो रात में किया था। अरे भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, रुक जाओ यार। सेकेंड गियर डालते हैं। और ये कोई मुझे बहुत बड़ी फैक्ट्री लग रही है, ये सीमेंट की फैक्ट्री है ये वाली। और ये तो यहाँ पे जो हम उठा के ले जा रहे हैं, एसी की होगी ये। सेंट्रलाइज्ड एसी है शायद ये, एसी का वेंट है ये, सेंट्रलाइज्ड एसी का वेंट है ये जो मैं लेके जा रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगर आपको कुछ और लगता तो आप बता देना क्या चीज़ है ये। मुझे तो सेंट्रलाइज्ड एसी का वेंट ही लग रहा है ये। नेक्स्ट गियर, हमें 50 की ऊपर नहीं जाना है। रेड लाइट हुई है यहाँ पे, ज़्यादा पीछे रुक गया मैं। ओके, भाई व्यू तो बड़ा अच्छा है। हम इस स्पीड के ऊपर नहीं जा सकते हैं, नहीं तो चालान कट जाएगा। 60 से ऊपर नहीं जा सकते हैं हम। वैसे 53 है मेरी, थोड़ी सी जा सकता हूँ अभी ऊपर में, बट इतनी काफ़ी है। नहीं तो अगर नेक्स्ट गियर डालूँगा तो ये 60 के ऊपर चढ़ जाएगी। डाल के देखते हैं एक बार। और देखो, तो मुझे चालान नहीं कटवाना है, पहले मैं उधारी की ज़िंदगी जी रहा हूँ। मेरा जो बैलेंस था वो -11,000 था, 11,000 यूरोज़ था। तो मैंने कमा कमा के अभी -3,000 यूरो पे आ गया हूँ मैं। तो शायद इस वाली डिलीवरी के बाद मैं पॉजिटिव में आ जाऊंगा, अगर कहीं पे चलान या एक्सीडेंट नहीं हुआ तो। पुलिस ने रोक रखा है, चलान हो रहा है यहाँ पे, और मुझे लगता है यहाँ पे एक्सीडेंट होने का चांसेस है। मैं पहले ही रुक जाता हूँ। मैं केबिन का व्यू देखते हैं। भाई ये तो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है भाई।
मर्सिडीज बेंज है हमारी गाड़ी। भाई इंजन हिल रहा है इसका क्या? देखो जैसे मैं टर्न कर रहा हूँ तो इसका ये हिल रहा है, गेट हिल रहा है इसका। ये व्यू भी मस्त है ना वैसे। अरे भाई ये नहीं करना है, टू की स्पीड है। और भाई व्यू कितना मस्त है ना इस साइड का। ये रियल में भी ऐसा ही होगा क्या? पुलिस आ रही है? नहीं पुलिस नहीं है, ये कुछ और ही है, लग रहा था पुलिस के जैसा। मेरे पीछे भी बहुत सारे व्हीकल्स हैं। ओ भाई पीछे नहीं देखना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भाई आराम से, नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए बैलेंस। भाई भाई इनका कोई चलान नहीं करता है क्या? इनकी भी तो लिमिट 60 ही होगी, तो ये कैसे जा रहे हैं 60 के ऊपर? ये आराम से 60 के ऊपर होगा ये। भाई ये कैसी बाड़ लगाई है यार, खतरनाक बाड़ है ये। बड़े जल्दी कवर किया हमने डिस्टेंस को, 100 किलोमीटर, हम करीब 100 किलोमीटर कवर करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। 322 किलोमीटर था शायद, या 326, ऐसा कुछ था, मुझे ध्यान नहीं है अभी। काफ़ी फास्ट ट्रैवल कर रहे हैं हम। भाई ये कैसा ट्रैक्टर है ये? ये कितनी अच्छी बाड़ लगाई थी ना, पीछे भी थी ये, मस्त लग रही है देखने में। हमें पेट्रोल की जरूरत तो नहीं है? पेट्रोल कहाँ पे है? मुझे ही नहीं दिख रहा पेट्रोल क्या? अरे सॉरी डीजल, इसमें तो डीजल पर पड़ता है ना, पेट्रोल थोड़े ना भरेगा इसमें। बट जो भी है भर लें क्या? मुझे नहीं लगता जरूरत है, चलते हैं ऐसे ही विदाउट डीजल। कंपनी वाले खुद भर के देते हैं यार, उन्होंने फुल टैंक करके दिया होगा, खाली थोड़ी ना देंगे। ये फसल पक गई है यहाँ पे, इन्होंने काटी नहीं अभी लोगों ने, उनको बताना पड़ेगा काटो फसल को। हमें स्ट्रेट जाना है ना, पिछली बार भी मैंने एक छोटा सा रॉन्ग टर्न लिया जिसकी वजह से कम 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर करना पड़ा था। यहाँ पे रेड लाइट हो चुकी है, ग्रीन हो गई, बट यहाँ से हमें मुड़ना है अंदर को। ठीक है, परफेक्ट टर्न।
अब हम मेन हाईवे पे आ चुके हैं, यहाँ पे हमारी 80 स्पीड हो सकती है, तो हम गियर अप करते हैं अभी। बस इससे ऊपर मत जाना, नीचे आ जा, स्पीड ज़्यादा हो गई थी। ओनली 80 किलोमीटर्स लेफ्ट। मैं यहाँ से राइट होना है। भाई रोड्स का जाल लगा है यहाँ पे भाई। अभी हमें स्ट्रेट जाना है यहाँ से। छोटा सा टेम्पो हमारा रास्ता रोक रहा है, इंडिकेटर तो दे रहा है, कोई बात नहीं, निकल जा, निकल जा के हमें पकड़ भी नहीं सकता इसको। लग्जरी बस ने हमें क्रॉस कर दिया। स्ट्रेट जाना है ना हमें, ठीक है, लेट्स गो स्ट्रेट। ओनली 47 किलोमीटर्स लेफ्ट, 44 मिनट्स का टाइम है हमारे पास। देखते हैं कर पाते हैं या नहीं। पहले इतने पीछे क्यों रोक दिया मैंने? जब तक वहां पे हो जाए तब तक रेड लाइट हो जाएगी। हो गई। मैं थोड़ा सा आगे होता बट ब्रेक मैंने पहले लगा दी थी, जिस वजह से हमें रेड लाइट पर रुकना पड़ा। वैसे रुकना नहीं पड़ता हमें, कोई बात नहीं। 15 किलोमीटर बच गया है, 16 मिनट में कवर करना है, काफ़ी टाइम है। बस ग्रीन लाइट। अ भाई भाई, नहीं 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 नहीं, रेड लाइट, रेड लाइट हो गई। मुझे चालान नहीं करवाना किसी भी हालत में। छोटी सी गाड़ी पागल हो गई है, उसने पूरा जाम लगा दिया वहां पे। हम अभी पहुंचने वाले हैं, ओनली 2 किलोमीटर्स लेफ्ट। ठीक है, स्पीड कम।
डुइसबर्ग। यहाँ पे हमें गाड़ी लगानी है। यार कैसे करना है? टू रिपेयर अपग्रेड और पेंट योर ट्रक। अच्छा ये रिपेयर वाला था यार, ये रिपेयर थोड़ी ना करना है हमें। हमारी डेस्टिनेशन उस साइड थी, मैंने आइकन नहीं देखा यार। आइकन क्या, मैंने मैप भी नहीं देखा। इस साइड जाना है हमें। गलत ही कंपनी में घुस गया था मैं, पार्किंग कहीं और करनी थी और ही कर रहा था मैं। ठीक है हमें ये करना है, हमें बैग नहीं करना, अभी मुझे बैग का एक्सपीरियंस नहीं है। कहाँ है लोडिंग एरिया? ये रहा। स्किप नहीं करनी भाई पार्किंग, पार्किंग तो करनी है मुझे। ओके परफेक्ट। तो फ्रेंड्स ये था आज का गेम प्ले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।